नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे बच्चों आज हम लेके आए हैं आर एस प्री 2024 के लिए स्टेटमेंट आर्गुमेंट कथन एवं तर्क ये लॉजिकल रीजनिंग का ही पोर्शन होता है और आज इसकी हम चर्चा करेंगे इस पर बात करेंगे किस तरह के एग्जाम्पल आर एस प्री में आते हैं उनकी हम बात करेंगे ठीक है तो स्टेटमेंट आर्गूमेंट कथन एवं तर्क इसके बारे में समझाता हूँ मैं बचपन में आपने डिबेट कॉम्पिटिशन में भाग लिया होगा तर्क वितर्क क्या हुआ करता था कि पहले बचपन में टीचर जो है एक टॉपिक दिया करता था जैसे सिनेमा टीवी एक बच्चा पक्ष में बोलता था टीवी देखना क्यों जरूरी है और एक विपक्ष में बोलता था टीवी देखना क्यों जरूरी नहीं है वहाँ टीचर ये फैसला लेता था किसका तर्क ज़्यादा मजबूत है किसने बढ़िया से बोला है यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू होंगे पॉजिटिव के पीछे रीजन लिखा होगा क्यों पॉजिटिव है और नेगेटिव के पीछे भी रीजन लिख के देगा क्यों नेगेटिव है हमें ये फैसला लेना होगा कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आर्गुमेंट वीक है ये फैसला हमको करना होता है कुछ बातें हैं जो आपको स्टेटमेंट आर्गुमेंट में ध्यान रखनी है अगर जो बातें मैं बता रहा हूँ अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपका कभी भी बच्चों आर्गूमेंट तो गलत होने वाला है नहीं ठीक है पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है सुनो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आर्गूमेंट वाला एग्जाम्पल जब भी आप इनको सॉल्व करेंगे इनमें कभी भी हां और नहीं को देखकर आंसर नहीं देना है आपको हमेशा रीजन देखना है रीजन सॉलिड होना चाहिए जिसका रीजन सॉलिड होता है वो आर्गूमेंट हमेशा स्ट्रांग होता है ठीक है तो कभी भी हा और नहीं को देखकर आंसर नहीं देना है हमेशा उसका रीजन देखना है रीजन क्या दिया हुआ है ठीक है ये पहला पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आर्गूमेंट स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो उस पर विचार किया जा सकता है ठीक है अगर आर्गूमेंट स्टेटमेंट से रिलेटेड ही ना हो तो वो सीधे ही आपको गलत करना पड़ेगा यानी कथन में तो कोई और बात हो रही है और तर्क में किसी और की बात कर रहा है तो फिर वो तर्क पढ़ने और दिखने में चाहे वो सही हो फिर भी वो बच्चों गलत मानना पड़ेगा आपको ठीक है तीसरा पॉइंट जब भी हमारे देश के संविधान की बात आ जाए प्रजातंत्र की बात आ जाए कानून की व्यवस्था की बात आ जाए नियमों का उल्लेख कर ले देश को प्राथमिकता दी जाएगी देश का विकास या समाज का विकास ऐसे अगर आपके आर्गूमेंट में बातें आ जाती हैं तो ये हमेशा मजबूत मानी जाएंगी ठीक है चौथा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी का अनुसरण करे या किसी से तुलना हो रही हो या व्यर्थ की बातें हो कंटेंट में दम ना हो तो वो भी आर्गूमेंट हमेशा वीक माने जाते हैं और एक आखिरी पॉइंट अगर लिखा हुआ आ जाए तर्क में एक मात्र तो वो तर्क भी आपको क्या मानना है कमजोर मानना है ठीक है किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं सबसे पहले बच्चों में शुरुआत करूंगा प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्पल आए हैं पुराने पेपर में अब तक प्री में तेरह से रीजनिंग जुड़ी है तेरह से लेके चौबीस तक में जितने भी आर्गूमेंट से एग्ज़ाम्पल पूछे गए हैं सबसे पहले हम शुरुआत उन्हीं से करेंगे जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के एग्ज़ाम्पल आर जो है वो पूछती है आर एस पी के अंदर सबसे पहले उन्हीं को हम चर्चा करेंगे उन्हीं को सॉल्व करेंगे उन्हीं को हम समझेंगे उसके बाद में फिर किस तरह के एग्ज़ाम्पल ये ट्वेंटी फोर में ट्वेंटी फाइव में आ सकते हैं उनके भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मैं लेके आया हूँ और एग्ज़ाम्पल मैं वही लाया हूँ जो एग्ज़ाम में लौट फिर के चलते हैं ठीक है बने रहिएगा मेरे साथ में शुरुआत करते हैं आइए यहां पर सबसे पहले ये एग्जाम्पल था बच्चों आर एस का प्री था 2018 का ठीक है ये 2018 में एग्जाम्पल पूछा गया है इससे ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज क्या लिखा था आपसे कथन में कह रहा था कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की बजाय पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती होनी चाहिए प्रश्न पूछा गया था ठीक है मैंने कहा था हमेशा प्रश्न ही पूछेगा कथन में और उसके पीछे उसके तर्क दिए होंगे पॉजिटिव नेगेटिव उनके रीजन को देख के हमें आंसर देना पड़ेगा तो बच्चों ये, मोटा मोटी ये आपसे ये पूछना चाहता है क्या आपको आपकी डिग्री के अनुसार आपको आर एस अधिकारी बना दिया जाना चाहिए ये पूछ रहा है ठीक है तो फर्स्ट वाली बात करते हैं। पहले तर्क में लिखा है कि हाँ उन अभ्यार्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यय का सहन करने में असमर्थ हैं तो बच्चों देखो ये पहली बात तो गलत है प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यय अब क्यों गलत है उसका रीजन बता रहा हूं प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यय का मतलब आपकी कोचिंग की फीस नहीं है आपके रहने का खर्चा नहीं है यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं में वह का मतलब फॉर्म भरने की जो फीस है क्या वो फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब लोग नहीं भर सकते फॉर्म को नहीं नॉमिनल चार्ज होता है हर कोई फॉर्म भर सकते हैं चाहे गरीब हैं चाहे पैसे में अच्छे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में वह का मतलब फॉर्म की फीस होती है और यह इतनी ज्यादा नहीं है कि जो गरीब लोग भी ना भर सकें इसलिए पहला आर्गूमेंट तो क्या हो गया सर गलत हो गया क्लियर है सेकंड की बात करते सेकेंड में कह रहा है नहीं भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता रीजन क्या लिख रहा है कि रीजन लिख रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय के मूल्यांकन में एक समानता नहीं है तो बच्चों देखो ये वाली बात सही है क्यों सही है क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी सबकी अलग अलग है सबके चेक करने का तरीका अलग है सबको नंबर देने का तरीका सबका अलग अलग है तो ये बात जो है वो संभव ही नहीं है तो यहां पर सही जो बात होगी वो सेकंड आर्गुमेंट जो है स्ट्रांग है ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर माना जाएगा और बच्चों ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लेना इसमें रीजनिंग और मैथ ये ट्वेंटी नंबर का जो मैटर है रीजनिंग और मैथ के मिला के बीस आते हैं कॉम्बो कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है और कॉम्बो कोर्स ओनली ऑफर प्राइस 1100 है जिसमें दिवाली का ऑफर फिफ्टीन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा दिवाली फिफ्टीन नाम से कोड आपको यूज करना है ठीक है चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं हम नंबर के एग्जाम्पल पे अगला एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है ये बच्चों पेपर था आर एस का प्री और 2016 में पूछा गया था क्या एग्जाम्पल पूछ रहा था सुनिए इस पर चर्चा करते हैं ये कह रहा है वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए ऐसे पूछ रहा है तो देखो मैंने कहा था कानून की व्यवस्था नियमों का उल्लेख देश को प्राथमिकता दी जाएगी देश का विकास और समाज का विकास तो ऐसे तर्क हमेशा क्या माने जाते हैं सर मजबूत माने जाते हैं मतलब जो व्यवस्था है गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था बनाई है जो कानून बनाए हैं उनका हमें भी पालन करना पड़ेगा आइए पहला कि हाँ सर प्रतिबंध होना चाहिए ज्यादातर यह समय दुर्घटना का कारण बनता है पहला आर्गूमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि फोन पे बात करते हुए गाड़ी नहीं चलानी चाहिए अगर गाड़ी आप चलाते हैं तो ज्यादातर समय यह दुर्घटना का कारण बन जाता है सेकंड सेकंड में कह रहा है नहीं मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी तो देखो बच्चों ये सेकंड वाला जो आर्गूमेंट है वो गलत है आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी ऐसे कह रहा है तो देखो फोन को रखने की मना नहीं है आप फोन को जेब में रख के गाड़ी चला सकते हैं आप गाड़ी में फोन को रख के गाड़ी चला सकते हैं समस्या कहा है कि फोन पे बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो यह गलत है ठीक है यह दुर्घटना का कारण है इसलिए सेकंड वाली बात जो है वो आर्गुमेंट गलत है फर्स्ट आर्गुमेंट जो स्ट्रॉन्ग है ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ठीक है अब बच्चों बढ़ते हैं आगे अगला एग्जाम्पल आया था बच्चों आर एस का प्री था टू थाउजेंड थर्टीन का दो हजार तेरह जब आर एस प्री की शुरुआत हुई थी मैथ रीजनिंग थर्टीन में ही जुड़े थे सबसे पहले आर्ग्यूमेंट अच्छा आर्गूमेंट के बारे में बता देता हूँ बच्चों की आर्गूमेंट ये लॉजिकल रीजनिंग के पांच चैप्टर होते हैं हमारे आर एस प्री में कौन कौन से पांच चैप्टर हैं कि सर स्टेटमेंट आर्गूमेंट कथन एवं तर्क स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन कथन एवं कार्यवाही स्टेटमेंट एजेंशन कथन एवं पूर्व धारणाएं स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन एवं निष्कर्ष और कॉज एंड इफेक्ट कारण एवं प्रभाव या यान एंड रीजन घटना और कारण परिणाम कॉज एंड इफेक्ट और ये आपके घटना और अधिकथन और कारण ये जो है आखिरी वाला जो चैप्टर है वो सिलेबस में तो है नहीं पर 2021 का अगर प्री आप देखेंगे तो असेसन एंड रीजन से एग्जाम्पल अधिक एवं कारण से एग्जाम्पल पूछा गया था तो मैं हमेशा क्लास में उसे कराता हूँ और आपको मैं यूट्यूब पे भी उस लॉजिकल रीजनिंग वाले चैप्टर को मैं कराऊंगा ठीक है तो यहाँ पर क्या कह रहा था क्या प्रतिष्ठित लोगों को जो अज्ञानता बस अपराध कर देते हैं उनके साथ क्या कानून को विशेष व्यवहार करना चाहिए आपसे पूछ रहा है कि जो अनजाने में अपराध कर देते हैं क्या उनके साथ में विशेष व्यवहार करना चाहिए कानून को अब पहले में क्या लिखा है पहले में कह रहा है कि हाँ करना चाहिए प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते तो गलत है भाई अपराध जो है वो अपराध होता है चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में हो ठीक है अपराध अपराध होता है हाँ प्रतिष्ठित लोग जान अपराध नहीं करते हैं ये वाली बात क्या है ये वाली बात जो है वो गलत है फर्स्ट वाली बात गलत है क्योंकि अपराध जो है वो अपराध होता है सेकंड नहीं हमारी नीतिकता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। ये वाली बात सही है कानून जो है सबको समान नजरों से देखता है और कानून के लिए सभी समान होते हैं चाहे अनजाने में हो अपराध या जानबूझकर हो अपराध 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 होता है सेकंड वाला जो आर्गूमेंट है वो स्ट्रांग है ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा ठीक है बच्चों ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल ये पूछा गया था बच्चों आरएस का प्री था 2021 वन्ट में क्या लिखा था क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट के नियम को कठोरता से पालन कराना चाहिए अब देखो ये बात तो आपने देखी है कि भाई हेलमेट क्यों लगाते हैं हेलमेट हम लगाते हैं सुरक्षा के लिए क्योंकि सिर जो है ये आ, मतलब सबसे संवेदनशील संवेदनशील अंग अंग है हमारा जिससे जो पूरा शरीर है हमारा सिर से ही चलता है इसको सुरक्षित करना जो है वो आवश्यक है तो गवर्नमेंट के नियम है कि भाई हेलमेट लगाना चाहिए अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं जो चला रहे हैं उनको भी लगाना चाहिए और पीछे व्यक्ति जो बैठा है उसको भी हेलमेट लगाना चाहिए नियम बनते हैं और उन नियमों का पालन जो है कठोरता से ही किया जाता है फिलहाल आर्गुमेंट क्या क्या थे इसमें ये पूछते है ये देख लेते हैं पहला कह रहा है नहीं नियम का कठोरता से पालन नहीं करना चाहिए नहीं के पीछे रीजन क्या है वो देखते हैं आपसे कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है इसे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए हां जी विवेक पर छोड़ देना चाहिए अगर व्यक्ति के विवेक के ऊपर छोड़ दिया तो वो हेलमेट नहीं लगाएगा ठीक है वो ऐसा सोचता है मन में कि मुझे सिर्फ अगले चौराहे तक जाना है और वापस घर आना है ठीक है या फिर मुझे पंद्रह मिनट के लिए बाहर जाना है गाड़ी चलाते हुए और वापस अपने घर आना है तो देखो बच्चों दुर्घटना एक ऐसी चीज़ है ये कभी भी पता नहीं है कभी भी आ सकती है और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है इसलिए सुरक्षा जो है उसके लिए आपको हेलमेट पहनना जरूरी है अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो सिर जो है आपका सुरक्षित रहेगा तो पहला जो है वो गलत है पहला आर्गूमेंट गलत है सेकेंड कह रहा है हाँ। यह एक नियम है और नियम का पालन कड़ाई से हम सभी को करना चाहिए बिल्कुल ये जो नियम बनाए हैं गवर्नमेंट ने मैंने कहा था कि नियम जितने भी हैं उनके पक्ष में ही सारी बातें जाएंगी और यह एक नियम है और नियम का सब सबको कठोरता से पालन करना चाहिए ये सेकेंड वाली बात सही है थर्ड हाँ यह है, आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील और नियंत्रक अंग है इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए यस yes, ये वाली बात भी सही है थर्ड वाला पॉइंट जो है वो सही है और फोर्थ वाला भी पढ़ लेते हैं कि नहीं यह हमारी सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता ये गलत है हेलमेट सिर की सुरक्षा करता है तो ये भी गलत है फिलहाल सेकंड और थर्ड जो है वो सही हैं ऑप्शन की बात करूं तो बच्चों सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगला एग्जाम्पल है ये पूछा गया था पिछला पेपर था आर एस प्री का और ये 2023 का पेपर था अच्छा लॉजिकल रीजनिंग में आप मैं कुछ पॉइंट ऐसे बता रहा हूँ जिनका आपको हमेशा ना ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है सुनो ये हर लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी चैप्टर आएंगे ये सब पे काम करेगा ठीक है क्या पॉइंट होता है कि पहला अगर बात आ जाए बीपीएल की गरीब जनता भूखी जनता बीपीएल तो इनके पक्ष में सारी बातें जाएंगी भारत के किसान और भारत की सेना अगर इनकी कोई बात आए तो इनके पक्ष में ही बातें जाएंगी ये फाइनल कर लीजिए ठीक है गरीब लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए यस मिलनी चाहिए भारत की सेना को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने चाहिए बिल्कुल देने चाहिए जब हम लोग आराम से चैन की नींद सोते हैं तब वो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं तो बिल्कुल और भारत के किसान बिल्कुल इनके पक्ष में बातें जाएंगी सभी किसानों की बातें जाएंगी क्यों क्योंकि ये हमारे सबके लिए भोजन की जो व्यवस्था है वो सारे के सारे किसान करते हैं तो ये पॉइंट जो है वो आपके पक्ष में ही इनकी बातें जाएंगी और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग के जब भी आप आंसर दोगे तो अपने आप को एक ईमानदार व्यक्ति आ, सज्जन व्यक्ति देशभक्त और हमेशा अहिंसा का समर्थन करने वाला ही मानना है चाहे तुमने जीवन भर करी है हिंसा पर यहां आपको बच्चों समर्थन जो है वो अहिंसा का करना पड़ेगा ठीक है और तीसरी बात सभी निर्णय जो हैं वो देश और सरकार के पक्ष में जाएंगे ऐसा निर्णय ऐसा तर्क जो आपको पढ़ने में सही लग रहा है पर वो देश के हित में नहीं है और सरकार के हित में नहीं है तो वो बच्चों गलत माना जाएगा और आखिरी बात भारत देश हमारे लिए सबसे पहले रहना चाहिए नियम जितने भी हैं वो भारत देश के बाद रहेंगे ठीक है देश की साख की कोई बात आएगी तो वो आपको गिरने नहीं देनी है भारत जो है आपके लिए सर्वप्रिय होना चाहिए देश हमारे लिए अपना सबसे फर्स्ट पे देश रहना चाहिए नियम सारे देश के बाद चलेंगे ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है पहला प्रश्न क्या पूछ रहा था क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले जो ट्रेनें चलती थी उनमें क्या था कि भैया डीजल इंजन वाली ट्रेनें भी चलती थी और डीज़ल इंजन वाली पिछले 20 साल से और अब मैं देखा होगा आपने मतलब बिल्कुल ही बहुत कम डीज़ल इंजन वाली गाड़ियां बची हैं नहीं तो पूरी लगभग लगभग तो इंडिया में जो है वो चेंज कर दी सारी की सारी विद्युत से चलने वाली ट्रेनें जो हैं वो कर दी हैं ऐसा क्यों किया क्योंकि डीजल इंजन वाली जो ट्रेनें थी उनसे प्रदूषण जो है वो ज़्यादा होता था इसलिए गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है सारी की सारी जो हैं मैक्सिमम जो हैं विद्युत इंजन में कन्वर्ट कर दिए तो ठीक है पहला कह रहा है कि हाँ बदलना चाहिए अब मैंने कहा था ना हमेशा देखो रीजन इसमें सॉलिड होना चाहिए रीजन अगर सॉलिड है तो आर्गुमेंट का रीजन पे ही पता आपको करना होता है पहला कह रहा है कि हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है बात भी सही है ठीक है तो पहला जो आर्गुमेंट है वो तो स्ट्रांग है सेकेंड में कह रहा है नहीं अब नहीं के पीछे क्या रीजन है आप सुनिए आपसे कह रहा है कि भारत घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है भाई एक दो परसेंट कम भी करता होगा मैं मान लेता हूँ ठीक है मेरी बात सुनो पर उत्पादन नहीं करता है बहुत ज़्यादा नहीं करता है ये गलत है और फिर भी जब भी अगर भारत देश की साख की कोई बात आए भारत देश की कोई बात आए तो मैंने कहा था बच्चों देश अपने लिए पहले रहेगा नेगेटिव आपको चलना नहीं है हमेशा पॉजिटिव ही चलना है देश और सरकार के लिए तो खास तौर से तो ये बात जो है वो अपनी गलत है ओनली फर्स्ट वाला जो आर्गूमेंट है वो स्ट्रोंग है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे अगला एग्जाम्पल ये है अब ये आर एस प्री में जितने भी पूछे गए थे अब तक वो सारे के सारे मैंने करा दिए हैं और अब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस तरह के एग्जाम्पल आपको जरूर देखने को मिलेंगे तो शुरू करते हैं आइए क्या शहरी क्षेत्रों में सभी स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए ये प्रश्न पूछ रहा है शारीरिक विषय और की कक्षाएं और जो प्रशिक्षण है वो क्या बंद करा दिए जाना चाहिए अब ऐसा हमसे पूछा गया है तो मैंने कहा था रीजन हमेशा सॉलिड होना चाहिए रीजन ही आपको आर्गुमेंट के बारे में बताएगा ठीक है पहला पढ़ लेते हैं पहले में कह रहा है कि हाँ बंद कर दीजिए भाई क्यों बंद कर दीजिए क्योंकि ऐसे छात्र अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और बचा हुआ समय प्रतियोगी परीक्षाओं की, की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अरे ये तो गलत बात है गलत बात क्यों है कि भैया देखो ऐसा है कि मोबाइल और टैबलेट पे गेम खेलते हैं क्योंकि छात्र भाई देखो खेल सकते हैं बच्चे पहली अब खेलने की तो बात ऐसी है भाई गेम खेल सकते हैं मोबाइल और टैबलेट पे गेम खेल सकते हैं पर उतना ही ज़रूरी जो है शारीरिक जो प्रशिक्षण की जो क्लास हैं वो भी ज़रूरी हैं ये होना चाहिए क्योंकि बच्चे जो हैं वो खेल कूद के प्रति उनका रुझान रहना चाहिए और खेलना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ये गवर्नमेंट जो है आपने देखा होगा बचपन में हमारी भी जो क्लासें लगती थी पीटीआई हुआ करते थे और एक जो है वो गेम्स का पीरियड हुआ करता था जिसमें हम सभी बच्चे जो है वो गेम्स खेलते थे तो वो ज़रूरी है वो होना चाहिए और इसका जो रीज़न है वो सॉलिड नहीं है इस कारण से पहला जो आर्गूमेंट है बच्चों वो वीक है सेकेंड वाला क्या है कि नहीं इससे छात्रों की उनके प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक गतिविधियाँ कम हो जाएंगी बिल्कुल इसीलिए जो है शारीरिक प्रशिक्षण की क्लासें जो लगती हैं आगे कह रहा है जो भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा कर सक करेगी बिल्कुल बचपन है बचपन को पढ़ा पढ़ाई भी जरूरी है और साथ के साथ ये एक खेल कूद का जो क्लास होती है ये भी जो हैं वो जरूरी है वो ज़रूरी हैं वे महत्वपूर्ण जीवन के कौशल विकास विकसित करने के से भी चूक जाएंगे बिल्कुल करेक्ट तो सेकंड वाला आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रॉग है यहां अगर ऑप्शन की बात हम करते हैं तो ऑप्शन में बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा सिक्स एग्जाम्पल हो चुके हैं सेवन नंबर का एग्जाम्पल क्या पूछ रहे हैं देखिए आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ता हूं यहां पर लिखा है कि एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं तय करें कि कथन से संबंध से कौन सा तर्क मजबूत है ये पता करना है ठीक है क्या कह रहा है क्या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए सब्सिडी दी जानी चाहिए और आपने गवर्नमेंट ने देखा भी है कि भाई इलेक्ट्रिक वाली जितनी भी गाड़ियां हैं गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है ठीक है क्या दी जानी चाहिए अब उस पर देखो रीजन पे डिपेंड करता है क्या कारण दिया है पहला कह रहा है कि हाँ दिया जाना चाहिए इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन प्रदूषण नहीं करते हैं तो यह पहली बात तो क्या है बच्चों स्ट्रॉन्ग पेट्रोल भरने की तुलना में चार्जिंग से अधिक समय लगता है तो यहाँ पर देखो समय अधिक लगता है पर लैंग्वेज पढ़े आपसे क्या कह रहा था यहाँ बात सब्सिडी की हो रही है भाई साहब बात सब्सिडी की हो रही है समय ज्यादा लगता है तो ये बात मैंने कहा था अगर कथन से रिलेटेड नहीं है तर्क चाहे वो पढ़ने में सही लग रहा हो तो भी क्या माना जाएगा कि सर वीक माना जाएगा तो सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है वो वीक है ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है करेक्ट आंसर जो आएगा इसका ए ऑप्शन आएगा अब बढ़ते हैं आगे क्या मंत्री को स्कूल छोड़ चुके वंचित छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करना चाहिए स्कूल छोड़ चुके वंचित छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप देना चाहिए मंत्री जी को ऐसे पूछ रहे चलिए देख लेते हैं आर्गूमेंट क्या है पहला कह रहा है कि हाँ देना चाहिए स्कूल छोड़ने वालों के पास मनोरंजन का और कोई अन्य स्रोत नहीं है तो ये तो बात गलत है भैया मनोरंजन के लिए लैपटॉप थोड़ना देंगे मंत्री जी मंत्री जी देंगे पढ़ाई के लिए लैपटॉप ठीक है लैपटॉप उन्हें व्यस्त रखेंगे गलत तो यहाँ पर पहला आर्गूमेंट तो गलत है सेकेंड नहीं देना चाहिए मंत्री स्कूल छोड़ने वालों को निरंतर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं ताकि वे आजीविका कमा सकें तो ये जो सेकंड वाली बात है ये क्या है स्ट्रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे आपके सेकेंड वाला जो है वो आर्गुमेंट स्ट्रांग है चलो अगला एग्जाम्पल आप सभी पढ़ो फिर उसके बाद सॉल्व मैं करता हूं क्या आंसर आएगा पूरी क्लास अगला एग्जाम्पल पढ़ो और करेक्ट आंसर आपको देना है और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों शेयर कर दीजिए लॉजिकल रीजनिंग के जो सारे चैप्टर हैं एक एक करके मैं सारे के सारे आपको कराऊंगा और इसमें क्या पूछ रहा है क्या सरकार को सभी समुद्र तटों पर खाने पीने की अनुमति नहीं देनी चाहिए नहीं पहले लिख दिया है ये बच्चे क्या है कि नहीं को पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर आंसर का जो है वो गलत हो जाता है तो आप सुनो पूछा क्या है क्या अनुमति नहीं देनी चाहिए ये पूछ रहा है पहले में कह रहा है कि हाँ नहीं देनी चाहिए क्यों नहीं देनी चाहिए कि लोग समुद्र तटों पर प्लास्टिक कचरा और अन्य बचे हुए भोजन को फेंक रहे हैं और उन्हें बहुत गंदा कर रहे हैं बिल्कुल ये बात सही है भाई सुरक्ष सुरक्षित रखना चाहिए समुद्रों को और गंद गंदगी नहीं फैलानी चाहिए स्वच्छ रखना चाहिए उसका हमें ध्यान रखना चाहिए ये पहली बात जो सही है पहला आर्गूमेंट सही है सेकेंड नहीं मतलब अनुमति दे दो कचरा फैलाने की बचा हुआ भोजन समुद्री जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है गलत बात है तो सही आर्गुमेंट जो है वो कौन सा है ओनली फर्स्ट फर्स्ट आर्गुमेंट जो है इसका सही आर्गुमेंट है नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है सुनिए इस पर भी आते हैं आपसे कह रहा है कि क्या विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत में वापस बुला लिया जाना चाहिए मतलब विदेशों में जितने भी भारतीय हैं जो जॉब कर रहे हैं क्या उनको भारत में बुला लिया जाना चाहिए वापस से ऐसे पूछ रहा है ठीक है आर्गूमेंट देख लेते हैं पहला कह रहा है कि हाँ बुला लो उन्हें पहले मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और खोजों सम्मान सुविधाओं आदि के बारे में भूल जाना चाहिए देखो ये गलत बात है व्यक्ति का अधिकार है वो अपनी जॉब जो है वो कहीं भी कर सकता है और हाँ मतलब देश भक्ति होनी चाहिए ये फाइनल है हर किसी में होनी चाहिए और देश के लिए सम्मान हमेशा रहना चाहिए ये बात भी सही है पर ये गलत है कि उनको मतलब वापस तुरंत वापस बुला दिया जाना चाहिए तो पहली बात जो है वो गलत है ठीक है सेकंड नहीं हमारे पास पर्याप्त प्रतिभा है उन्हें जहाँ है चाहे रहने दें तो ये बात भी गलत है ये बात भी गलत है कि प्रतिभा हमारे पास बहुत है और बहुत सारे टैलेंटेड लोग भारत में रहते हैं और और जो भारत को छोड़ के विदेशों में जॉब करने गए हैं उनको वापस मत बुलाओ अरे आवश्यकता सबकी है देश के लिए जो है वो जरूरत सबकी है पर ये जबरदस्ती नहीं है कि भाई कि उनको भारत में ही जॉब करना चाहिए या विदेश में ही करना चाहिए व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर वो कहाँ जॉब करना चाहता है तो यहां ये सेकंड वाली बात भी क्या है गलत है बच्चों फिलहाल ऑप्शन uh, की बात करें ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है अब बढ़ते हैं आगे इलेवन नंबर का एग्जाम्पल है दुनिया के लेखक अदृश्य रूप से सैनिकों की तुलना में लोगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं सैनिकों की तुलना में मतलब कहना चाहता है कि लेखक जो हैं जो लिखते हैं लेखक अदृश्य रूप से मतलब सामने नहीं आते हैं, पर अपनी बातों के प्रभाव से एक सैनिक से तुलना में लोगों को अधिक प्रभाव डालते हैं ये कह रहा है ठीक है चलो पहला क्या कह रहा है लेखक लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं कथन के अनुसार तर्क ये वाला तो स्ट्रोंग है शारीरिक बल की मदद से कोई भी सभी पर विजय प्राप्त कर सकता है गलत बात है आर्गूमेंट फर्स्ट जो है वो एकदम स्ट्रोंग है ठीक है तो यहां पर प्रतिभा मतलब वल के जोर पे आप किसी भी विजय प्राप्त कर सकते हैं ये जो है वो गलत बात है ठीक है तो यहाँ सही कौन सा होगा ओनली फर्स्ट वाला होगा अब आपसे ट्वेल्व नंबर का एग्जाम्पल है क्या पूछ रहा है सुनना आपसे कह रहा है क्या गणेश को नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए आजकल देखो आर्गूमेंट इस तरीके से और आते हैं क्या मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए गणेश को अब ट में ही रीजन लिख के देगा आपको अगर रीजन उसका सॉलिड है तो मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए और रीजन अगर उसका नेगेटिव में सॉलिड है तो नहीं खरीदनी चाहिए और डिपेंड करता है आर्गूमेंट पे पहला क्या कह रहा है कि हां खरीदनी चाहिए गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसका उपयोग वह पिछले पंद्रह वर्षों से अपने कार्यालय आने जाने के लिए कर रहा है अक्सर परेशानी दे रही है लो बेटा रीज़न बता दिया है कि पुरानी मोटरसाइकिल है वो पंद्रह साल पुरानी है और आने जाने में कार्यालय उस पंद्रह साल से उसी मोटरसाइकिल को ले जाता है और मोटरसाइकिल जो है वो परेशान कर रही है मतलब बार बार मेंटेनेंस मांग रही है और बार बार पैसा मांग रही है ठीक है तो मेंटेनेंस के लिए पैसा लगता ही है तो मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए गड़े इसको पहला सही है ठीक है सेकेंड कह रहा है कि नहीं खरीदनी चाहिए भैया रीज़न क्या है नहीं क्या सुनो कि नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की पहले से मौजूद समस्या को और बढ़ा देगी ये बात गलत है कि भैया हाँ वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल जीवन में अगर आप जाओगे कि सर प्रदूषण तो होता ही है, है ना ये बातें तो आती है मन में तो यार देखो चल रही है गवर्नमेंट चला रही है और सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक भी चल रही है और यहाँ मोटरसाइकिल जो है खरीदनी चाहिए कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए वो यहाँ पर कोई जानकारी हमारे पास नहीं है फिलहाल सेकंड वाला जो आर्गुमेंट है वो क्या है बच्चों गलत है फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रोंग है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग आएगा चलिए अगला एग्जाम्पल है पढ़िए पूरी क्लास थर्टीन नंबर में क्या लिखा है और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग जो हैं वो सही आंसर आप में से देंगे वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए पढ़िए पूरी क्लास थर्टीन नंबर में क्या लिखा है यहाँ कह रहा है क्या विजयंत को ए लिमिटेड कोई कंपनी का नाम है ए लिमिटेड में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में शामिल होना चाहिए ओके अब देखो आर्गूमेंट में ही रीजन लिखेगा उसके बाद डिपेंड करेगा कि बात इसकी सही है या गलत है उसके अनुसार ही अपन को निर्णय लेना पड़ेगा पहला क्या लिखा है कि हाँ विजयंत को तुरंत नौकरी की जरूरत है भैया जरूरत है तो ज्वाइन करेगा आगे यह उसकी योग्यता और अनुभव के साथ मिलने वाली सबसे अच्छी नौकरी है बस ज्वाइन कर लेना चाहिए इसको नहीं नौकरी के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ती है अरे फालतू की बातें सही कौन सा है बच्चों ओनली फर्स्ट आर्गूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है बढ़ते हैं आगे अगला एग्जाम्पल है पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है फिर सॉल्व करते हैं क्या सरकार को निजी खिलाड़ियों को कोयला खदाने कोयला खदानें आवंटित करनी चाहिए क्यों क्यों करनी चाहिए भाई रीजन देख लेते हैं फिर भी पहला कह रहा है हाँ कर दो कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कोयला ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव भेजे हैं गलत है पहला नहीं केवल कुछ औद्योगिक घराने ही बोलिया जीतते हैं ये बात भी क्या है गलत है चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा तो फिलहाल दोनों आर्गूमेंट गलत हैं सी ऑप्शन जो है इसका बच्चों सही आंसर होने वाला है अब अगला एग्जाम्पल आपके सामने है आप इसको पढ़िए और सही आंसर आप मुझे बताइए क्या आपको आंसर देना है ठीक है फिफ्टीन नंबर का एग्जाम्पल है क्या पूछ रहा है देखिए। आपसे कह रहा है क्या शुभम को एक वर्ष के लिए विदेशी असाइनमेंट स्वीकार करना चाहिए एक वर्ष के लिए अब वो भैया शुभम पे डिपेंड करेगा रीजन रीजन भी शुभम देगा पहला हाँ करना चाहिए वह एक सिक्का संग्रह में विदेशी मुद्रा जोड़ सकता है विदेशी मुद्रा जोड़ सकता है ये बात तो गलत है भाई विदेशी मुद्रा कैसे जोड़ेगा आगे लिखा है कि नहीं शुभम के बूढ़े माता पिता अक्सर बीमार रहते हैं और उनकी पत्नी उनंत गर्भा गर्भावस्था एक गंभीर चरण में है अच्छा तो शुभम रीजन बता रहा है सेकंड का कि शुभम के जो माता पिता हैं वो एजेड हैं और साथ ही साथ में शुभम की जो पत्नी है वो है मतलब आ, बच्चा पैदा होने वाला है उनके तो भाई जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में शुभम को संभालने के लिए शुभम को आ, जो है वो घर पे रहना चाहिए माता पिता का ध्यान रखना चाहिए साथ के साथ में पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए तो बच्चों ये सेकंड वाला जो है वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है ओनली सेकंड बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं ठीक है तो एक बार देख लो इसको